यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है लॉटे वर्ल्ड टावर, जिसमें 123 फ्लोर्स हैं, और ये वर्ल्ड की फिफ्थ टॉलेस्ट बिल्डिंग है। डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में कार से ज्यादा बाइसिकल चलाई जाती है, और इस सिटी को 2025 वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने का टारगेट है। हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया। जिन शहरों में हम आज रहते हैं वो कैसे बसे होंगे? क्या वो पहले भी ऐसे ही थे, और क्या फ्यूचर में भी ऐसे ही होंगे? क्यों ज्यादातर लोग शहरों में ही रहना चाहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इन आर प्लेलिस्ट एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें आज का टॉपिक है सिटीज यानी शहर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिटीज वो लार्ज बिल्डअप प्लेसेस होती हैं, जहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग एक साथ काम करते और रहते हैं। वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन इन्हीं अर्बन एरियाज या कहें सिटीज में ही रहती है, क्योंकि यहाँ रहने के एक अपने एडवांटेजेस होते हैं। ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सिटीज की तरफ पॉपुलेशन को माइग्रेट करती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2050 तक वर्ल्ड की करीब 1/3 पॉपुलेशन सिटीज में रहेगी। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है वेस्ट बैंक की सिटी जेरिको, व्हिच डेटेड बैक टू 9000 BCE। 1967 से इस सिटी को इजराइल ने अपने कंट्रोल में लिया था, पर रीसेंट हिस्ट्री में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इसकी एक्विजिशन पर कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है वाराणसी, जिसे हम काशी भी कहते हैं। इस सिटी को ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, जिसे 1700-1100 BC में लिखा गया था। कहते हैं ये सिटी करीब 2500 साल पुरानी है, और इंडिया में इसे हिंदू रिलिजन का सेंटर माना जाता है। वैसे वर्ल्ड में कुछ ऐसी सिटीज हैं जो बड़ी ही अलग तरह से बसी हुई हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के नदन पार्ट में एक टाउन है कूबर पैडी, जो पूरी तरह से जमीन के नीचे बसी हुई है। ये एक माइनिंग सेंटर है, जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओपल स्टोन्स पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे ओपल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एक और सिटी है जो पूरी तरह से सी में फ्लोट करती है और मेटल की बनी हुई है। इसका नाम है नेफ्ट डस्लारी, जिसे कैस्पियन सी के बीच में USSR ने अजरबैजान से ऑयल कलेक्ट करने के लिए बनाया था। ये सिटी ऑयल कलेक्ट करने का एक मेटल रिग था, और जैसे जैसे ऑयल डिस्कवर होता गया, ये रिग भी लार्जर एरिया में फैलता चला गया। आज यहाँ करीब 2000 लोग रहते हैं। सी पर सिटी, सुपर कूल ना? जैसे जैसे लोग सिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सिटीज भी अपने आप को बढ़ा रही है। कभी रात की फ्लाइट में बैठकर विंडो से नीचे देखा है, लाइट्स एक सेंटर पॉइंट से चारों तरफ स्प्रेड होती हुई दिखती है। यानी बढ़ती पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए मेन सिटी के चारों तरफ रहने के न्यू एरियाज बिल्ड किए जाते हैं। इन्हें न्यू डेवलप्ड आउटर एरियाज को सबर्ब कहते हैं, और इस तरह के एक्सपांशन को अर्बन स्प्रॉल। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सबर्ब्स में रहता है, और मेन सिटी में बसेस, ट्रेन्स या मेट्रो से ट्रैवल करता है। सबर्ब्स का कॉन्सेप्ट 19th और 20th सेंचुरीज में डेवलप हुआ, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था रोड और रेल ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी का बढ़ना। इस कनेक्टिविटी से लोगों का कम खर्चे में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पॉसिबल हो गया, और वो सबर्ब्स में बसने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स में सबर्ब्स के बियॉन्ड डेवलप होने वाले एरियाज को एक्सर्बन और एक्सर्ब्स कहा जाता है। इनकी पॉपुलेशन सबर्ब्स से कम होती है, पर विलेजेस से काफी ज्यादा होती है। कोई भी शहर घर, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा से मिलकर बनता है। आप जानते हैं स्काईस्क्रीपर्स किसे कहते हैं? शहरों में जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें स्काईस्क्रीपर्स कहते हैं। वो जिन्हें देखकर लगता है कि स्काई को छू रही है, दैट इज व्हाई स्काईस्क्रीपर्स। ऐसी बिल्डिंग्स में ज्यादातर ऑफिसेस ही होते हैं, पर कुछ में रहने के लिए अपार्टमेंट्स भी बने होते हैं। साउथ कोरिया की सोल सिटी में मैक्सिमम बिल्डिंग्स 12th फ्लोर से ज्यादा ऊंची हैं। यानी यहाँ वर्ल्ड में किसी भी और सिटी से ज्यादा स्काईस्क्रीपर्स हैं। यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है लॉटे वर्ल्ड टावर, जिसमें 123 फ्लोर्स हैं, और ये वर्ल्ड की फिफ्थ टॉलेस्ट बिल्डिंग है।
वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुबई में, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा और ये 828 मीटर टॉल है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी है जापान की टोक्यो सिटी, जहां 38.5 मिलियन लोग रहते हैं। पर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से टोक्यो बांग्लादेश के ढाका शहर से पीछे है। टोक्यो में पर स्क्वायर किलोमीटर 6,000 लोग रहते हैं, पर ढाका में 41,100 लोग रहते हैं, जो टोक्यो से 9 टाइम्स ज्यादा है। इंडिया के सूरत शहर में जहां 27,400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, वहीं मुंबई में 26,800 लोग रहते हैं। लेकिन आज के सिनारियों को देखते हुए सबसे ज्यादा ट्रेंड में है ग्रीन सिटीज। ग्रीन सिटीज वो है जहां डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कम से कम इफेक्ट करता है। ज्यादातर सिटीज के क्राउडेड होने के बावजूद गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठा रही है जिससे सिटीज को और ग्रीन, क्लीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। ये प्रैक्टिसेस वहां रहने वाले लोगों की हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है। डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में कार से ज्यादा बाइसिकल चलाई जाती है और इस सिटी को 2025 वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने का टारगेट है। ब्रसल के ग्रीन सिटी करचीबा में 70% वेस्ट को रिसाइकल कर दिया जाता है। यहाँ वेस्ट को रीयूजेबल प्रोडक्ट्स और एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। आइसलैंड की सिटी रेकविक ने 2050 का एक स्ट्रॉन्ग टारगेट सेट किया है। उनकी कोशिश है कि इस टाइम तक इस सिटी में फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल और कोल के यूज को पूरी तरह से बंद किया जा सके। इस टारगेट को अचीव करने के लिए अर्थ की इंटरनल हीट यानी जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एम सेट किया गया है। इसी तरह सिंगापुर में है सबसे ज्यादा गार्डन्स इवन ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स। इतना ही नहीं, यहाँ पर वर्टिकल गार्डन्स का भी कॉन्सेप्ट है जिन्हें आर्टिफिशियल सोलर पावर लाइटेड ट्रीज पर ग्रो किया जाता है। कनाडा की वैंकूवर सिटी भी पीछे नहीं है। इस इको फ्रेंडली सिटी में 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से किया जाता है। यानी फ्यूचर में सिटीज होंगी इको फ्रेंडली एंड पीपल विल बी मोर फ्रेंडली टू द सिटी, राइट? वैसे आप किस शहर में रहते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इस जगह की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ। हे गाइस, वांट टू बी द फर्स्ट टू नो ऑफ द वीडियोस ऑन द माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल? हिट सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। And remember, knowledge increases when you share it. So like, share, and tell your friends about the video.